हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नुकजुक बड़ी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, मुझे नहीं पता कि निदा की बर्थडे और कितने दिन मनने वाली है। ठीक है, कल तो मन चुकी है, अब पता नहीं आज भी उसका मन करे तो बर्थडे मनाना चालू कर दे। बट ठीक है, आज का दिन फाइनली खत्म हो चुका है। बर्थडे आज मुझे लगता नहीं कि बर्थडे मनाने वाली है। बट गाइस, मैं आज इतना लेट उठा हूँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। 4 दिन से हम लोग बॉम्बे में है और यहाँ पर आगे मेरी स्लीप साइकिल और भी खराब हो चुकी है, जो इतनी मेरी खराब वहाँ नवी मुंबई में थी। समझ ही नहीं आ रहा कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, वो भी मान लिए। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे ही नहीं पता। और फाइनली आ गया है मेरा नाश्ता यहाँ पर। जैसा मैं हमेशा नवी मुंबई में खाता हूँ रोटी और अंडा, वैसा ही मैं यहाँ पर भी खाता हूँ रोटी, अंडा और चाय, जिससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन है। ठीक है, अब मेरा नाश्ता ये टाइम पे हो रहा है, तो मेरा लंच हो रहा है और लेट, डिनर हो रहा है और भी लेट। समझ रहे हो आप लोग, ऐसा हो गया मेरे साथ में। मुझे लग रहा है मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो नाश्ता करने के बाद मैं जाऊंगा निदा को लेने के लिए, निदा को लूंगा और यहाँ पर आके हम लोग मस्ती मजा करेंगे, फिर आप लोगों को बता देंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। Assalamualaikum everyone. Yes, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और सुफियान बहुत लेट उठे आज और उन्होंने मुझे बहुत लेट बोले कि निदा आज ब्लॉग बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से आज ब्लॉग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बिकॉज सुफियान को थोड़ा रेस्ट चाहिए था। बट सुफियान ने बोले कि नहीं, हम हमारे व्यूवर्स को वेट नहीं करा सकते कोई भी चीज के लिए, एक दिन भी हमको नहीं छोड़ना है। और गाइज, 1-2 दिन पहले मुझसे गलती से व्लॉग डिलीट हो गई थी, जिसमें सुफियान ने मुझे जो गिफ्ट दिलाए थे उसकी ओपनिंग मैंने की थी और मैं इतना रोने लगी कल रात को कि जिसकी कोई हद नहीं है, है ना मम्मी? वो तो रही थी बच्ची मेरी, ये बोले ब्लॉग एंड हो गया, ब्लॉग डिलीट कर दी, ब्लॉग डिलीट कर दी। लेकिन माशाल्लाह मिल गया ब्लॉग। मेहनत करी थी 8 घंटे से तू बैठी थी वो उसको एडिट करने के लिए। मैं एक्चुअली गाइस थंबनेल एडिट करने के लिए मतलब इतना दिमाग लगा देती हूँ ना कि मम्मी बोलते फोन छोड़ दे, मैं मम्मी काम है पहले ये कर लूं फिर छोड़ूंगी फोन। तो खैर, ब्लॉग वापस आ चुकी है क्योंकि मैंने गूगल सपोर्ट से बात करी और उन्होंने कैसा ना कैसे ब्लॉग लेकर आ गए वापस, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गूगल सपोर्ट का कि उन्होंने मेरी ब्लॉग वापस लेकर आ गए चैनल पे। और तो और उसके अलावा मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी है कि जो लोग हमको सब्सक्राइब करते हैं वो लोग अगर हमारा नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी व्लॉग आ चुकी है। तो गाइज, अगर जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी बेल आइकन बटन दबाइए जो कि एकदम नीचे होता है हमारे चैनल के, और अगर आप वो दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारी व्लॉग आई है, हमारा शॉर्ट्स आया है, हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं हमारे फीड पे। तो गाइज इसका ध्यान रखना। और ये देखो डड्डू को, माय गॉड फिर से मुच्छी सिंह। मस्त अच्छा लग रहा है डड्डू। गाइज कमेंट करके बताओ कि उनके ऊपर ये लुक कितना अच्छा लगता है, नहीं तो हमेशा मेरे डैड है ना क्या करते कि पूरा क्लीन शेव हो जाता है। लेकिन तेरी बात को सब चाचा चाचा बोलने लगे निदा, और मेरे को चाची है क्या बात है? क्या वजह से? क्यों मुछ मुछ रखा रही है? क्यों तो वैसे चाचा की दाढ़ी में सफेदी आ रही उसके लिए चाचा बोल रहे लोग। हाँ तुमको चाचा बोल रहे हैं, अंकल बोलो, ऐसा बोलू? अच्छा गाइज, इनको अंकल मत बोलिए, इनको चाचा मत बोलिए, इनको बोलिए यंग बॉय। हाँ डूड बोलो इनको, डूड, हमें डड्डू बोलती ना इसलिए डूड बोलो इनको। एक्चुअली ये इसके भी पीछे कहानी कि मुझे लोग बोलते कि डड्डू क्यों बोलते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा ये यूनिक लगता है और निदा खान हर चीज यूनिक करती है गाइज। मतलब हर कोई अपने डैडी को डैड बोलते अब्बा बोलते, मुझे अपने डैडी को डड्डू बोलना था जो डूड से ना मैच करता हो, है ना? थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे आभारी समझा। तो गाइज हम लोग अभी लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ सुफियान के साथ और जाऊंगी थोड़ा जूस वूस पीऊंगी, क्योंकि आज कल क्या हो गया ना कि यहाँ पर आती हूँ तो मतलब मेरा जो जूस उसका टाइमिंग सब ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं सुफियान को भी लेके जाऊंगी जूस पिलाने के लिए। और गाइज एक और चीज आपको बतानी है, तेरी तो तबीयत खराब थी ना, उठ के खेल क्या रहे? तो गाइज मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, 2 दिन से लगातार बुखार में पड़ा है मेरा बच्चा, प्लीज प्रे फॉर हिम। मेरे पापा को नजर लग गई ना मम्मा, कितना उतरसा गया है। तो चलो गाइज अभी सुफियान को फोन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सो गाइज मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ निदा को लेने के लिए। बट निदा को लेने के जाने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे गरीब माँ बाप बेचारे कैसा लेटे हुए, इधर किसी की पड़ी ना नौशी ने घर में ना कोई नहीं है। इसके लिए बोल रहा था मैं, मेरे साथ चलो नवी मुंबई, तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो कभी। देखो यहाँ पर अकेले अकेले बैठे बेचारे, अब मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से बाहर तो फिर अकेले बैठे रहेंगे। सही देखो क्या एंजॉय करते तुम लोग, शाम हो गई है, रात होने आई है। हाँ शाम हो गई है, रात होने आई है, सही बात। चलो भाई चलते हैं, निदा को निदा आएगी तभी ये लोग को टाइम पास होगा, कुछ ना कुछ कोई मनोरंजन मिलेगा। जो हमारे घर की कार्टून है उसको कार्टून बना के खेलते हैं हम लोग साथ में। ठीक है चलो चलते हैं। और उसके पहले गाइस, जो भी दुनिया में हो रहा है लड़ाई झगड़े वॉर, बस यही दुआ रहेगी कि जो भी हो रहा है वो सब रुक जाए। कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, जहाँ पे बच्चे बूढ़े को तकलीफ हो रही है गाइस, वो नहीं हो। प्लीज गाइस सबके लिए दुआ करिए, इंशाल्लाह सब जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो चलते हैं अभी निदा को लेने के लिए। ओ आ गई, अब भी उठेगा तुम भी? हाँ, मेरी तरह तुम्हारे बच्चे।
हाँ यार, अपन दोनों सेम पहन लिए क्या? Yes. चलो फटाफट जाएंगे। सो गाइस, निदा ने सोची थी कि निदा अपने बर्थडे के दिन सारे गरीबों को खाना खिलाएगी, तो आज फाइनली हम लोग आए खाना खिलाने यहाँ पर लोगों को। अच्छा तो गाइस, हम लोग गरीबों को खाना खिला के निकल चुके हैं और अभी हम लोग आए निदा को यहाँ पर जूस खिलाने, क्योंकि निदा को जूस पीने का बहुत ज्यादा शौक है। निदा को हेमोग्लोबिन की कमी थी, तो इसलिए हम लोग उसको बीटरूट का जूस खिलाते हैं अभी। Yes. बट निदा, तुमने एक चीज नोटिस की यहाँ पर जब हम गरीबों को खाना खिला रहे थे? क्या नोटिस किए? बच्चे लोग पैसा मांग रहे थे। हाँ गाइस, मतलब यहाँ पे अगर तुम किसी को खाना दो तो उसको खाना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। पता नहीं लोग पैसे का क्या करते, पैसे का इंसान खाना ही खरीदता है, इंसान पैसा क्यों ही मांगता? निदा, खाना खाने के लिए, अब जब खाना दो तो इंसान को खाना नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब ऐसा भी ना गाइस, जिनके मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के माँ बाप सिखा के भेजते हैं कि आप जाके पैसा ही मांगो, खाना मत मांगो। खाने के लिए वो लोग चाहते हैं कि हम 10 रुपए मांगे तो हम 2 रुपए का खाना बच्चों को खिलाए, बच्चों को भूखा रखे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती है, हमेशा होता ही है हमारे साथ। हाँ, ये रहा तुम्हारा जूस, गिर गया, पकड़ो। चलो, कितना टाइम मम्मी, क्या दुकान खोल रहे हो, घर खोल रहे हो तुम? इतना टाइम को लगाता है क्या? कपड़े सुखा रहे थे, दाई माँ बन गए हो तुम तो। नौशिन नहीं आई अभी तक? गरम है गाइस, सबसे पहले मम्मी तुम एसी चालू करो, हालत खराब हो गई है यार, इतना गरम। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, बॉम्बे की आबादी बढ़ते ही जा रही है, हद हो गई, इतना कंजेशन गाइस। मतलब इसीलिए बोलते नहीं मतलब इसीलिए ही नवी मुंबई बनाई गई है गाइस, ताकि मुंबई का कंजेशन थोड़ा फ्री हो सके। नवी मुंबई भर रहा तो उसके लिए तीसरी सिटी बन रही है गाइस, नैना सिटी। वो आप लोग जाके रिसर्च करना जरा, वो बनने वाली अभी एयरपोर्ट के बाद। किसी को बोलने की जरूरत है? हम लोग का मोटिव क्या है कि लोगों को हम लोग सुकून दे, जब हम लोग सुकून से रह रहे तो लोग भी चाहे सुकून से रहे। तो गाइस, मेरे हिसाब से नवी मुंबई बेस्ट है, बट नवी मुंबई वाले नहीं चाहते कि मुंबई वाले वहाँ पर आए। वो हम क्या कर सकते हैं, हम तो जाएंगे, हमको जहाँ जाना है वहाँ, है ना। तो गाइस, अभी आप लोगों को पता नहीं है पर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरा आदमी धीरे धीरे करके सठियाने लग गया है गाइस। मैं OLX पे बहुत ही जल्दी मेरे आदमी को बेचने वाली हूँ, तो अगर आपको खरीदने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये बन चुका है चलता फिरता गूगल, इससे कुछ भी पूछो ना ये 10 जवाब देता है, बट उसमें कोई मतलब ताकत नहीं रहता, क्या बोलते उसको, जवाब में ताकत नहीं रहता है, क्या बोलते, जोर, सेंस नहीं रहता। यस, और साथ ही साथ क्या हो रहा है तुमको जरा बताना लोगों को कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं तुम्हारे को? मेरे को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? मेरे को भी सिम्टम्स। तो इतने किसे फूक गए तुम? यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, साला मोटा हो जा रहा हूँ। अभी जाके रिसेंटली इनके कपड़े लेकर आए हैं अम्मी, अभी जाके, और वो कपड़े तक इनको टाइट हो रहे हैं। तुम करना क्या चाहते हो भाई? मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे को सोने का मेरा साइकिल अलग हो गया, मैं कभी सो रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, कभी नाश्ता कर रहा हूँ, कभी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, है ना, क्या हो रहा है मेरे साथ में। मेरे को लगता है ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मैं तुमको बता रही हूँ, ये तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ज्यादा देर तक सोती तो तुम बोलते चलिए सॉरी मैं भी सोता हूँ, मैं कुछ खाती हूँ तो तुम्हारा भी मन करता है वही खाने का। लेकिन वो तो घर पे करूंगा ना मैं, जब तुम सो रहे हो तो मैं भी सो, लेकिन यहाँ पर तो मेरे घर में सब जागते रहते, तो मैं क्यों बोलूँगा तुम सो रहे हो तो मैं भी सो, मेरे पास टाइम पास करने के लिए और भी लोग हैं। देखो अम्मी क्या बोला, टाइम पास करने के लिए इग्नोर वो है। देखो सही में ऐसा लगता है, ऐसा बोलते हैं ना कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो आदमी भी प्रेग्नेंट होता है साथ में, सेम सिम्टम उसको भी आ रहे, मेरे को लग रहा है मेरे साथ भी वही हो रहा है। जब से इसने बोले ना कि इसको गले में जलन चालू हुई, तब से मेरे को भी मेरे पीछे पड़ गया है गले में जलन, मैं सुबह मेरे को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे को पॉटी नहीं हो रही, मेरे साथ भी यही हो रहा है, रोज हो रहा है मेरे को, रोज हो रहा है, बताओ रोज हो रहा है मेरे को, नहीं समझ मारा सच्ची में क्या होता है क्या नहीं। ट्विंस करके एक आधा, हाँ मैं वही बोल रहा था, तुम्हारे पेट में कीरम बोल के आप लोगों को लगा था पेट में कीरम है, ये इसको भी भूख लग रही है, मेरे को भी भूख लग रही है, जो उसका खाने का मन कर रहा है वो मेरा खाने का मन कर रहा है। और ये ऐसा नहीं कि सिंपैथी दे रहे कि हाँ चलो मेरी भी बिचारी को पॉटी नहीं हो रही है, तुमको भी हो रहा है मेरे को भी वही हो रहा है, तब हाँ इसको बोल के मतलब नहीं, इंसान को गुस्सा आ जावे कि इसको कुछ भी बोल रही है इसको भी वही हो रहा है, ये ऐसा समझ रहे कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अरे भाई जरा समझो, इंसान के साथ बहुत सारी चीजें नई नई हो रही है, अकेला नहीं मेरे को लगता है सर, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी दुनिया में आदमी लोग रहे हैं सबको। चलो यहाँ पे पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर नौशीन भी प्रेगनेंसी में दुबली हो रही थी ना, तो दानिश भाई भी दुबले हो रहे समझे, मैं मोटी हो रही तो तुम भी मोटे हो रहे हो, सब खुदा के जो कुछ ना मोटा हो रहा, मैं नए नए कपड़े जो लाया वो सब मैंने ना उल्टा एक साइज बड़े कपड़े लाए, सोचा कि चल अभी थोड़ा और मोटा होगा ना तो कपड़े टाइट होंगे, लेकिन सर वो भी टाइट हो गए एकदम ज्यादा, लेते साथ पहली ये तो सब पहली बार पहन रहे सर नए कपड़े, कितने टाइट हो गए मेरी बॉडी का शेप, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। अभी तुम चलते ना तो तुम्हारे मुंह के आने से पहले तुम्हारा बदन आता है।
आंखों का देखा नहीं, वो अंदर जाने का एंट्री रहेगी रेटिना स्कैन, तो मेरा पेट बिछमा जाएगा दरवाजे पे, आंखों वहीं तक पहुंच ही नहीं पाएगी मेरी, कितना मोटा हो गया मैं भी, हद हो गई है गाइस। आपको समझे इसने क्या बोला, मेरा तो एकदम सर पे से बाउंस करके बालों तक को टच नहीं किया है जो बोला है। तुम भी कभी कभी कुछ बातें बोलते हो समझ में नहीं आती, ये भी सिम्टम्स हो रहा है मेरे साथ में, पागल हो रहा हूँ। हाँ वही तो मैं बोली, सटिया रहे हो तुम, कुछ भी बोलता है, छोटी छोटी टॉपिक पे लेके बड़ी बड़ी लेक्चर देता है, पागल हो सकता है। ऐसा कुछ होता है क्या अम्मी? अच्छा अब्बा को हुआ था ऐसा कुछ? कुछ नहीं हुआ था अब्बा को, इधर थी माँ की दही करते आता सर में दर्द कर दिया, मैं गोलियां के खाके अंदर है ना, की भैंस थी भैंस, अरे बहुत भैंस करने लग गए, ये पागल हो गया आधा, दिमाग खराब हो गया इसका। तुम्हें ना जरा ये सब आड़ी टेढ़ी वीडियो देखने से अच्छा प्रेगनेंसी में कैसा करने का, क्या करने का, सही में प्रेगनेंट हो जाऊंगा मैं, नहीं देखता हूँ थोड़ा दूर भी उस चीज से, मैं सोच सोच के मेरे को मैं भी पेट भर जाऊं, लात मार रहे क्या? हाँ मालूम पड़ा गैस के लिए। मेरे को हो सकता है मे भी के जब आदमी अल्लाह ताला की कुदरत हो ये चीज के बाद, औरत अगर प्रेग्नेंट है तो औरत के साथ जो जो हो रहा है ठीक है, जब उसको दर्द होगा ना तब कोई फील करना कि मेरे को भी दर्द होगा, वो ऐसा सब क्या पता हो, क्या पता वो भी हो, और अगर वो नहीं होगी तो तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं करवाऊंगी तुम्हारे को दर्द, आई प्रोमिस यू, आई प्रोमिस देखने, अगर मेरे को दर्द हुआ और तुमको नहीं हुआ तो मैं फील करा दूंगी, तुम टेंशन मत लेना। मालूम नहीं है ना, पहली पहली बार है, और पहली पहली बार खुद भी प्रेग्नेंट होके बैठ गए, शर्म नहीं आई है, तुम भी प्रेग्नेंट हो गए, मेरे को कौन सवाल है, मेरे को भी हेलो सेम कसम खुदा की मेरे को भी हो रही है, पक्का प्रॉमिस। क्या करने का? डिलीवरी मेरी तो गाइस वहाँ पर तो सबको बता दी हम लोग ने ये गुड न्यूज, और अब मैं अपने घर पर आ गई तो मैं अपने घर वालों को भी ये बताना चाहती हूँ, एक और एक जन प्रेग्नेंट है हमारे घर में, क्या आपको पता है कौन है? ये महाशय। आप लोग बोलते ना ट्विंस चाहिए ट्विंस चाहिए, इसके पेट में एक है मेरे पेट में एक है, इसका सबूत है, मैंने खाना मंगवाया अभी जोमैटो से। देखो गाइस इसे फिर से जोमैटो में खाना मंगाया है, तो मतलब जो भी मैं खा रही हूँ मुझे भूख लग रही है तो इसको भी भूख लगती है, मेरे को एसिडिटी हो रही है इसको भी एसिडिटी हो रही है, मतलब जो सिम्टम्स मेरे को दिखा रहे प्रेगनेंसी में वो उसको भी हो रहे हैं। हाँ तुमको होते थे मम्मी? हाँ सुफियान तुम अकेले हो, तुम हो प्रेग्नेंट, मम्मी डैडी हूँ मैं, मम्मी डैडी नहीं खाते थे मेरे को, जो दिल होता था वो ये नहीं खाते। तुमको कभी हुआ है मम्मी को अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो तुमको हुए? खाने का नहीं हुआ कभी मेरे को, जो खाती है वो मैं नहीं खाता मैं, लेकिन थोड़ा सिम्टम्स हो रहे हैं एसिडिटी मूड स्विंग्स, मेरे को यहाँ से लेके चक्कर नहीं आती ना, चलो उसमें तुम मार खा गए, नींद आ रही है, नींद तो आ रही है, भारी लग रहे, हाँ पूरा बदन ही भारी लग रहा है। मुबारक 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 आपका बच्चा हो गया, मुबारक आपको बच्चा हो गया, आपको काले मियां बोलते हैं, मामू को दो दो बच्चे संभालने पड़ेंगे। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज।